अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज आपको होंडा सिटी 150F जो ब्लैक कलर में 2024 मॉडल है, इसका आपको मुकम्मल रिव्यू बाइक का दिखाएंगे और इसके अंदर आपको दिखाएंगे कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं हुई। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको फ्रंट साइड पे इसका जो फ्रंट हेडलाइट वाइज़र है उसका आपको रिव्यू दिखा रहे हैं। उसके अंदर तो इस तरह की कैसी भी चेंजिंग नहीं नज़र आ रही जो कंपनी ने की है। और ये इसका इंडिकेटर है और इसके हेडलाइट के ऊपर भी इंडिकेटर होता है जो छोटी लाइट्स होती हैं। और ये इसका फ्रंट मुड़गार्ड है, उसके ऊपर भी स्टिकर का हल्का सा स्टिकर लगा होता है, वो आपको नज़र आ रहा है। और ये इसका जो डिस्क ब्रेक है और जो इसका टायर है वो आगे वाला वो 6 ply का है। तो ये इसका स्टिकर है 2024 मॉडल 150 का जो ब्लैक कलर में, और इसका जो बैक वाइजर है उसके ऊपर भी सीबी 150F लिखा हुआ है। इसका इसके स्टिकर के अंदर सिर्फ 2 कलर हैं, वाइट, ब्लैक और रेड। 3 कलर हैं इसके अंदर, ब्लैक तो वैसे उसका कलर है तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ब्लैक कलर। तो बाद में इसके इंजन की जो आपको शाइनिंग दिखा रहे हैं काफ़ी बेहतर है, और ब्लैक कलर में इसका इंजन होता है इसीलिए वो क्रोम वगैरह इसका कुछ जंग वगैरह का कोई मसला मसाइल नहीं बनता, इसीलिए 150 बेहतरीन है। उसके बाद इसका जो सिलेंसर है जो इसका आपको दिखा रहे हैं, साउंड भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल साउंड है। और इसके जो बैक शॉक है वो रेड कलर में, तो आगे पीछे वाले दोनों रिम अलाय रिम होते हैं इसके। और बैक साइड पर इसके चले जाएँ तो बैक लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद उसके नीचे भी आपको होंडा का लोगो नज़र आ रहा है जो कंपनी ने बैक मुड़गार्ड पे लगाया हुआ है। और बैक वाले इंडिकेटर आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लैक हैं और उसके अंदर ऑरेंज कलर के जो बल्ब हैं वो लगाए गए हैं। बाद में इसका ये पीछे वाला टायर है वो आपको दिखा रहे हैं, उसकी जो ग्रिप काफ़ी अच्छी है। और इस साइड पर जो इसका जो चेन कवर है वो आपको दिखा रहे हैं, वो भी ब्लैक कलर में वो आपको नज़र आ रहा है कि इसके वो क्रोम वगैरह उतरने का कोई मामला नहीं बनता कलर वगैरह उतरने का, तो इसीलिए ये चीज़ बेहतर है। और जो इसका ये इंजन है इसका आपको दिखा रहे हैं, ये सल्फ है, ये सल्फ लगा हुआ है इसका जो 150 का, और ये कॉर्पोरेटर है। और इसके अंदर वो 5 गियर हैं और सल्फ स्टार्ट है, ये आपको दिखा रहे हैं इसका रिव्यू। शाइनिंग काफ़ी बेहतर है इसकी आगे से इंजन की। और दूसरा जो इसके बैग फोटरेस हैं वो फोल्ड भी हो जाते हैं, ये देखें ये फोल्ड भी हो जाते हैं और कवर भी हो जाते हैं, और जो आगे का बंदा बैठता वो भी हो जाते हैं, पर अभी थोड़े टाइट हैं, अभी नहीं वो हो रहे, तो वो आगे वाले फोटरेस भी कवर हो जाते हैं। दूसरा ये इसका स्टिकर है वो आपको दिखाया है। बाद में इसके जो फ्रंट मीटर है वो आपको दिखाएंगे, जो इसके अंदर ये जो किलोमीटर रीडिंग है वो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे। ये देखें आपने जितनी भी मैनेज करनी है वो आप कर सकते हैं। ये इसका ये स्पीडोमीटर रीडिंग आएगी साइड पे, और ये इसका जो गियर वगैरह हैं 5 गियर हैं आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपको जैसे जैसे लगाएंगे आपको नज़र आएंगे। ये RPM की है और ये फ्यूल गेज है। उसके बाद जो इसकी की के अंदर ही लॉक होता है, और लॉक काफ़ी बेहतरीन है 150 का, ये इस तरह इसकी की निकालेंगे और इसके साथ ही ये कवर लगा हुआ उसके साथ आपको लॉक करेंगे, वो लॉक नहीं उतरेगा, आपका की सेट टूट टूट जाएगा वो लॉक नहीं खुलेगा। दूसरा ये देखें इस तरह लॉक हो जाता है, की सेट के साथ वो लॉक ओपन होता है, और उसके अंदर भी एक लॉक लग जाता है जो वायरलेस होता है बाइक के अंदर ही, हैंड लॉक। ये देखें ये काफ़ी बेहतर है 150 का, चोरी वगैरह से बची रहती है बाइक। और इस साइड पर इसका जो सेल्फ का बटन है जहाँ से बाइक स्टार्ट होती है, और जो हेडलाइट के डिपर हैं वो लगा हुआ है बटन हाई लो का। और इस साइड पे जो हॉर्न है, हॉर्न और विंकर का और हेडलाइट ऑन ऑफ का लगा हुआ है इस साइड पे, तो काफ़ी बेहतरीन है बाइक 150। तो इसकी जो टैंकी की शेप है वो आपको दिखा रहे हैं वो किस तरह फ्यूल टैंक, और दूसरा जो इसकी सीट, मुझे बस सिर्फ एक चीज़ इनकी ये नहीं लग रही सही, जो इनका बैग होता है कैरियर वो काफ़ी बड़ा है इसीलिए, बाकी बाइक बहुत बेहतरीन बाइक है। तो इस तरह कोई चेंजिंग मुझे नज़र नहीं आई जो कंपनी ने की हुई हो, सिर्फ इसके अंदर स्टिकर ही चेंज किया गया कंपनी की तरफ से। तो वीडियो देखने का शुक्रिया आपका, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।